नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, शेखावाटी डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन चैनल पर मैथ्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपन यहाँ पर मैथ्स में वाई ग्रुप के मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे थे, परसेंटेज चैप्टर अपन डीप तक पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भाई हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 100% आएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। अपन जीरो से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, आज का सेशन काफी खतरनाक होने वाला है। अपन इसके लेवल के क्वेश्चन करेंगे भाई, आपने इनको सपने में देखा होगा इन क्वेश्चनों को, आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैंने देखा कि कल आप बहुत स्पीड से आंसर दे रहे थे, तो मैंने कुछ आपके लिए अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आज भी जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से। मैं शुरुआत के 3 कमेंट्स ही देखूंगा भाई, सबसे स्पीड से कौन आंसर देगा, मैं शुरुआत वाले 3 कमेंट्स ही देखूंगा। आपका कंपटीशन होना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाए भाई और जल्दी से जुड़ जाए। लाइक कर दे जिसने चैनल को लाइक ही नहीं है, शेयर कर दे अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, है ना। आप देखोगे कि ये लोंडा पर्सन लेके कहां से आता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लोकेश कुमार, राम राम। शंकर बसेरा गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग। प्रिया आपका हार्दिक स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जांगीड आज ही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी देखो क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं, एक बार आसान क्वेश्चन उठा लेता हूं, फिर अपन धीरे धीरे उठाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और यह बात बता देता हूं, आज वाले क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे हुए हैं भाई, सारे सभी क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने स्क्रीन पर फेंक दिया है, इसका आंसर उड़ा दो। आजी लक्की जाट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग न्यू अर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। पंकज मढ़ाट गुड मॉर्निंग, नरेश राव गुड मॉर्निंग। उड़ा दो भाई, उड़ा दो आंसर को, उड़ा दो जल्दी से, अभी तक आंसर उड़ा देना चाहिए था आपको। सुनील बागड़ी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आंसर उड़ाओ भी, गुड मॉर्निंग हो गया सभी का। आंसर देखो, क्वेश्चन को देखो और आंसर को उड़ा दो, एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से, ये तुलना करना है अभी, कंपेयर किससे, थर्ड नंबर से, कि पहली संख्या तीसरी संख्या से क्या है कम और कितनी कम है, 8 सही 1/3%। फिर इसने कहा तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दे रखा 15:16। पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज, पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यह क्वेश्चन हमको पूछ रखा है। हाँ जी संजय जी कह रहे लाइक और शेयर कर दो भी, संजय जी सामरिया जी कह रहे भी लाइक और शेयर तो बनता है, इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टी आपको बोल रहे तो लाइक और शेयर तो जरूर बनता है भाई। जल्दी से एक बार शेयर कर दे जिसने ग्रुप में शेयर नहीं किया है, क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे उठाएंगे अपन। ये तो एक ट्रेलर है, आसान सा क्वेश्चन है और बढ़ेंगे अपन। हाजी प्रवीण राव आप बता रहे हो सी ऑप्शन, लोकेश कुमार बता रहे हैं 2.66 ए वाला ऑप्शन, सुनील बागड़ी चलो मैं दो ही देख लेता हूं एक बार। देखो सबसे पहले अपने को पता है पहली संख्या ना फर्स्ट नंबर, इसकी कंपेयर कर रखी किससे, थर्ड नंबर से, और हमको कह रहा कि 8 सही 1/3% क्या है कम है। पहले तो मैं आपको ये रेशियो समझा देता हूं, परसेंटेज का 8 सही 1/3 फ्रैक्शन में लेंगे भाई अपन इसको, 8 × 3 कितना होगा 24 और 1 कितना आएगा 25 अपॉन में क्या है 3, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या आएगा 100, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 1/12, हमारे पास आ गया 1/12। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहली संख्या ना पहली संख्या वो थर्ड संख्या से 8 से 1/3% कम है, तो हमारे अनुसार थर्ड नंबर कितना बना 12, उससे 1 कम है तो कितना बनेगा 11। लेकिन थोड़े से आगे चले ना तो हमको पता चला, देखो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दे रखा 15 और कितना दे रखा है 16, सेकेंड और थर्ड कितना दे रखा 15 और 16 का रेशियो दे रखा है। देखो हमने निकाला है थर्ड नंबर हमारे पास कितना है 16 और वैसे यहां पर कितना आया है 12, भाई नंबर थर्ड है यहां पर थर्ड की तुलना कर रहा तो इक्वल होगा 12 और 16 का, अपन एलसीएम लेते हैं कितना था 48, इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 48, इसको 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो यहां से हमारे पास आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं इधर लिख देता हूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, हमारे पास थर्ड नंबर कितना है 48, इससे क्या है ये 48 है तो इससे कितना है 4 कम, कितना आ गया 44,
अब देखो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया भाई, 3 से 48 बनाने के लिए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15। ये हमारे पास 3 संख्या होंगी, हाँ जी ये हमारे पास 3 नंबर होंगे, 2.66 अपन देख लेंगे इन क्वेश्चन को आंसर क्या रहा है। अब देखो हमारे पास ये संख्या आ गई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हर एक चीज आपको बताऊंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, वैसे सॉल्यूशन अपन सरल बना लेंगे। फिर इसके बाद इसने जिक्र किया फर्स्ट और थर्ड नंबर है ना, फर्स्ट और थर्ड इसका क्या दे रखा है एवरेज, कितना दे रखा है एवरेज, फर्स्ट और थर्ड का अपने को एवरेज निकालना है भाई। देखो यहां पर फर्स्ट और थर्ड को जोड़ोगे 2 का क्या लगा दो भाग, या इनके बीच का नंबर होगा, इनके बीच का क्या जाएगा 46 एवरेज। फर्स्ट और थर्ड का हमारे पास एवरेज कितना आ गया 46, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आगे अपने को देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, तुलना किसकी होनी है, तुलना हमारे पास होनी है 45 और 46 इनकी होनी है भाई, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की अपने को तुलना करनी है। यहां से देखो अपने को आगे ये बता रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का एवरेज कितना आया है, हमारे पास 46 आया है, ठीक है जी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एवरेज कितना है 46 तीसरी का, और कह रहा दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या कितनी हमारी 45, इससे कितनी अधिक है भाई, देखो यहां पर दूसरी संख्या हमारे पास 45 है, ये कितनी है 46, कितना अधिक है 1, कितने पे 46 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, अगर ये कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, किससे कटेगा 2 से काट दो, 2 से कितनी बार 23 बार, यहां पर ये 2 से कटेगा 50 बार, यहां पर अपन क्या कर देते हैं 50 में भाग लगा देते हैं, 23 गुणा 2 कितना हो गया 46, इधर मैं डिवाइड भी करके बता देता हूं 23 से कितनी बार 2 बार 46, कितना बच गया 4, डेसिमल लगा दो इसके बाद यहां पर 0, 23 से कितनी बार कटेगा 1 बार, यहां पर देखो इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो भाई, यहां पर अपने पास 2 point something आ रहा है, 2 point something आ रहा है 2.66, देखो 8 सही 1/3% है, अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे अपने पास क्या आएगा 1/12 आएगा, हम इसके एलसीएम लेते कितना आ गया 48 आ गया हमारे पास। अब देखो इसको 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, हमारे पास थर्ड नंबर कितना आ गया 48 आ गया, ये इससे 4 कम है तो कितना आएगा 4 कम है तो हमारे पास ये आ गया 44। अब देखो यहां पर सेकंड और थर्ड का हमको रेशियो दे रखा 15:16, अब देखो थर्ड को हमने 48 बनाया 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से करोगे तो ये कितना आ गया 45, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसने दिया कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज दे रखा है, एवरेज होता है बीच का, या वैसे आप करोगे दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दोगे 2 का, 44 + 48 / कितना जाएगा 2, यहां से हमारे पास इसका एवरेज कितना जाएगा 46। अब इसने कहा कि दोनों संख्याओं का एवरेज है ना, एवरेज वो तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, शायद यही हमको पूछ रखा है कि दोनों संख्याओं का औसत है पहली और तीसरी का, वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है भाई, दूसरी से अधिक पूछ रहा है, दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, दोनों संख्याओं का एवरेज दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 45 और इनका एवरेज कितना है 46, कितना अधिक है 1, अधिक किस पे होगा 45 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 5 से काट दो कितनी बार कटेगा 9 बार, और 5 से काटोगे कितनी बार 20 बार, 9 गुणा 2 कितना हो गया 18, और यहां से हमारे पास बच गया 2 सही 2/9, 2 point something हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, इसमें और आगे भाग देना चाहो तो आप 2.22 something ले सकते हो। यहां पर देखो 5 से काट दिया कितनी बार 9 बार, 5 गुणा 9 कितना हो गया 45, 5 से काटोगे कितनी बार 20 बार, यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20/9, 20 में अपन 9 का भाग देते हैं 9 गुणा 2 कितना हो गया 18, यहां पर बच गया 2/9, आगे अपन इस कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है योगेश ढाका का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहेगी, आप कैलकुलेशन को जरूर चेक करते रहना भी, जिसका भी गलत हो गया कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन उड़ा देना आप, ये भी एग्जाम में आया हुआ है सीएचएसएल में, काफी अच्छा क्वेश्चन है,
आपको दिखने में बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन करोगे जब आपको बिल्कुल जोर आएगा निश्चित रूप से। भाई दिखने में बिल्कुल आसान है, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाँ जी जोनी कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी अमित शेखावत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां पर देखो कोई गलती नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे पास सही है। ये करा कि देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। हिंदी में लिख रहा था कितने प्रतिशत क्या है अधिक, पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत कितना है 46। ठीक है फिर देख लो जिसका नहीं बना है, पहली और तीसरी संख्या का एवरेज कितना आया है 46। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने आगे कहा दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आई 45, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अरे बेस किसको बना रहा, बेस दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या से कितना अधिक है एक, एक बटे 45 किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 5 से काटोगे 9 बार और 5 से काटा 20 बार, 20 बटे 9 ही आएगा। आपकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो जिसका नहीं बना है, बिल्कुल सही है ना। अजी लाइक और शेयर एक बार कर दें। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेता हूं भाई कौन बता रहा है सबसे पहले। अजी ब्लैक टाइगर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। जल्दी से आंसर उड़ा दो, महाकाल के आशीर्वाद से इसका आंसर उड़ा दो, अभी तक आंसर उड़ा देना चाहिए था आपको। कल काफी आप स्पीड से आंसर उड़ा रहे थे, आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने अच्छे हैं, काफी अच्छे अच्छे एग्जाम में आया हुआ है। CHSL का क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कौन उड़ाता है। हाजी रमन कुमार, ओके कोई बात नहीं, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैं देखता हूं आपके कमेंट्स लगातार। चलो नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, मेरे को ही बताना पड़ेगा या कोई आंसर देगा इसका, देख लो। चलो नहीं बना तो काफी अच्छे क्वेश्चन है भाई। यदि एम का एम परसेंटेज, भाई का अर्थ तो सभी को पता है, का अर्थ क्या होता है मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी एक आंसर आया योगेश ढाका बता रहे हैं ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल देखेंगे ए वाला ऑप्शन, 50% अपन लॉक कर देते हैं। हाँ जी जोनी कुमार बता रहे हैं 50 और पंकज कुमार बता रहे हैं सी वाला ऑप्शन। अच्छा जी अजीत यादव नेट प्रॉब्लम कोई बात नहीं, सुभाष सिंह बता रहे हैं चलो देख लो जिसका नहीं बना वो देखो। का अर्थ होता मल्टीप्लाई, यहां पर आप परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। भाई कैलकुलेशन को एक बार अच्छे से देख लेना है ना ध्यान से, साथ के साथ फिर नहीं बताऊंगा मैं। एम का एम परसेंटेज, का अर्थ क्या होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। एन का एन परसेंटेज है, एन गुणा एन बटे कितना आ गया 100, हमारे पास बराबर में है परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 इनटू में क्या है mn, ये वाली कैलकुलेशन है भाई। देखो पूरे के नीचे क्या है 100, तो अपन 100 सभी में काट दे, कॉमन लेके काटोगे मैं सीधा ही काट देता हूं, 100 सभी में क्या हो जाएगा कट जाएगा, m से m m स्क्वायर n स्क्वायर 2mn, ये 2mn इधर आएगा तो किसका हो जाएगा रे माइनस का और बराबर 0। ये यहां से हमारे पास होल स्क्वायर बन रही है। बबलू यादव बता रहे हैं सी वाला ऑप्शन, नरेश राव ए, अजीत यादव ए, सुभाष जाखड़ सी, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रही है। अरे किसकी होल स्क्वायर है, एम माइनस एन की होल स्क्वायर, ये तो सभी को आता होगा फॉर्मूला। अगर आप इसकी स्क्वायर हटाओगे जीरो पे रूट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आएगा एम माइनस एन बराबर 0। आप कह सकते हो जी एम माइनस एन 0, बिल्कुल सही बात है, n इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बराबर, m किसके बराबर है रे n के, दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या होंगे 100%, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अजी मनोज तवर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां तक बता दो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में, या दोबारा बताऊं सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एग्जाम का क्वेश्चन था। हाजी एक और अच्छा क्वेश्चन उठाते अपन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के क्वेश्चनों में आपको जोर आएगा भी, कल आपने खूब स्पीड से आंसर बताए थे, सारे एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं अभी आज। यहां से m माइनस n की होल स्क्वायर बन जाती है। हाँ जी बिल्कुल मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई कैलकुलेशन को आप एक बार में समझने की कोशिश किया करो, दोबारा बताने में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन खराब हो जाता है, आप एक बार में समझा करो ध्यान दिया करो है ना।
देखो यदि कह रहा कि एम का एम परसेंटेज, का अर्थ क्या होता मल्टीप्लेक्शन, यहां पर आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई किया, एम गुणा एम परसेंटेज को हटाया 100, एन गुणा एन बटे 100 परसेंटेज को हटाओगे यहां पर 100 चाहे तो आप कॉमन लोगे 1/100, अरे 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, एम गुणा एम हो गया एम स्क्वायर, एन गुणा हो गया एन एन स्क्वायर बराबर 2mn, इन सभी पद को एक तरफ ले लेते हैं, ये mn इधर आएगा किसका माइनस का, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। भाई आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी है m माइनस n की क्या हो जाती है होल स्क्वायर, सर्वसमिका है भाई, आप इसका स्क्वायर हटाओगे जीरो पे रूट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आ गया m माइनस n बराबर जीरो, n इधर आया तो इसके बराबर, m किसके बराबर है n के, दोनों वैल्यू क्या है बराबर, तो हर चीज 100% होती है। हाँ जी हाँ जी, आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, भाई कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जिसको समझ में नहीं आया काफी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पकड़ने की कोशिश किया करो। हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके सामने बोर्ड पर, इसका आंसर सबसे पहले कौन उड़ा रहा है, साइज छोटी कर दूं, हाँ जी अब सही दिखाई दे रहा होगा, मेरे वाले पे सही दिखाई दे रहा था वैसे, अच्छा जी रॉयल जाट सुपर, थैंक यू बबलू यादव, साइज छोटी कर दी बिल्कुल, अरे अभी तक आंसर उड़ा दो, आप काफी टाइम ले रहे हो भैया ना, आपके सामने जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आ जाता है आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, उड़ा दो अभी तक आंसर, यहां पर क्या कर रहे हो बबलू यादव, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, सुभाष जाखड़ आंसर बताओ, अमित शेखावत यहां पर अभी तक कोई आंसर नहीं दिया आपने किसी भी क्वेश्चन का, योगेश ढाका ने यहां पर अपने पास 3 क्वेश्चन के लगातार आंसर दिए हैं, इस वाले ऑप्शन का बता रहे हैं सी, भाई सी की संभावना हो सकती है, देख लेते हैं एक बार सी आएगा या नहीं आएगा, संदीप जांगिड़ बता रहे हैं सी, जसवीर सिंह बता रहे हैं बी वाला, यादव यादव सी ऑप्शन, रॉयल जाट बी ऑप्शन, रमन कुमार बी, बबलू यादव बी, चलो मैं इसका सॉल्यूशन ले चलता हूं भाई, एक बार सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाए, इसका सॉल्यूशन देखे काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक से अधिक संख्याओं के संदर्भ में, इसका कहने का मतलब है कि हमने कोई संख्या मान ली, ठीक है हमने माना कि वो नंबर क्या है x है, इसने कहा एक से अधिक संख्याओं के संदर्भ में, इसका कहने का मतलब है कि वो नंबर क्या है एक से बड़ा, सुनना भाई हर एक चीज यहां पर सुननी पड़ेगी आपको पूरा सॉल्यूशन समझने के लिए, एक चीज भी छूट जाएगी तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रख लेना, एक से अधिक संख्याओं के संदर्भ में मतलब क्या है, संख्या ना संख्या वो क्या है एक से बड़ी है, हमने उस संख्या को क्या मान लिया एक्स मान लिया, फिर इसने कहा संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम, अब देखो जिस तरह हमारे पास 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ये चीज तो सभी को पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं, आप सॉल्यूशन दोबारा पूछते हो तो, एक से अधिक संख्याओं के संदर्भ में आपके पास संख्या एक्स है और इसका क्या कह रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना हो गया 1/x, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच क्या है अंतर, स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच क्या है अंतर, किशन पांडे बता रहे हैं बी ऑप्शन, जितेंद्र सिंह शेखावत जय हिंद भाई आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक आधे का आंसर उड़ा दो आप, संख्या और उसके बीच का क्या कह रहा है अंतर, ये है ना अंतर है ना, वो कह रहा है शिवम और उसके व्युत्क्रम के योग, शिवम और उसके व्युत्क्रम के योग का क्या है 25%, 25% का मतलब क्या होगा 1/4, ये आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी, फिर सुन लो, एक से अधिक संख्याओं के संदर्भ में या एक से बड़ी संख्याओं के संदर्भ में एक्स ग्रेटर देन क्या है 1, एक्स क्या है एक से क्या है बड़ा, रमन बता रहे हैं बी वाला ऑप्शन, संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, हमारे पास संख्या x है और उसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/x, इनका जो डिफरेंस है
वो इन दोनों संख्याओं और उसके जो व्युत्क्रम है उसके सम का क्या है, 1/4 है, 25%। ये वाली कैलकुलेशन दे रखी है भाई, ये 4 इधर आएगा तो पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। आप लिखोगे इसको 4x, ऊपर क्या आ जाएगा 4/x, यहां से हमारे पास आ गया x प्लस 1/x। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो एक बार कमेंट्स कर देना, यहीं से मैं फिर से सॉल्यूशन बता दूंगा। यहां तक आपको मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स वाली वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाली एक तरफ ले लेंगे। ये एक्स इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, 1/x है और यहां पर 4/x है, तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया 3x। इनका एलसीएम कितना आएगा, एक्स एलसीएम समान है तो सीधा ऊपर वाले पदों को जोड़ दो, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/ हमारे पास क्या हो गया x, x गुणा x कितना हो गया x² / 5, और यहां से हमारे पास आ गया ये 3 इधर आएगा, x² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/3। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसके सॉल्यूशन को देख ले। आप 4 से इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4x 4/x, x + 1/x, यहां से फिर x है ना इधर आएगा तो माइनस का, 4x में से x गया 3x, और यहां पर हमारे पास 4/x इधर जाएगा प्लस का, 5/ क्या हो गया x, 3x² बराबर कितना हो गया 5। अब देखो अपने इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अपने को क्या कह रहा है ध्यान से देखना। फिर इसने आगे बोला उस संख्या की चौथी घात, आपने संख्या क्या ली थी x, इसकी चौथी घात क्या होगी x^4, संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से मतलब उसकी दूसरी घात से। आपको पता है x² और x^4 के बीच तुलना हो रखी है। हाजी हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, छोटे महाकाल की जय हो, पंकज शर्मा जय हिंद जय हिंद। यहां पर x² और x^4 के बीच क्या हो रखी, कंपेयर कर रखा भाई। इसने कहा कि उस संख्या की चौथी घात है ना, चौथी घात उस संख्या की कौन सी, दूसरी घात से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, दूसरी घात से। अब देखो अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है, जितना आप सोच रहे थे उतना टफ भी नहीं है। x² और x^4 कितनी होगी, x^4 कितनी करोगे रे, 4 कर दोगे, ये होता है x^4 भाई, चौथी घात यही होगी। x² की वैल्यू क्या है आपके पास 5/3, इसकी चौथी घात करोगे स्क्वायर कर दो तो 5/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5/3 आ गया तो 3 इधर आ जाएगा, रेशियो ले लिया यहां पर इसकी दूसरी घात और चौथी घात का, हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि x² की वैल्यू तो आ गई 3 रेशियो में और x^4 की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी अधिक है रे 2, अधिक किस पर होगा 3 पर या 5 पर, भाई 3 को बढ़ाओगे तभी तो बराबर होगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे 100 से गुणा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 66.66 आएगा, डी वाला ऑप्शन। हाजी डी वाला ऑप्शन किसी ने बताया था क्या, बी ऑप्शन नहीं आएगा, पंकज कुमार बता रहे हैं डी ऑप्शन। हाजी मेरे हिसाब से यहां पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज टफ थी, सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अभी भी एक बार कमेंट्स कर दो, अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं फिर बताऊंगा। मोहम्मद साहिब गुड मॉर्निंग, हाँ सुभाष जाखड़ बहुत लेट आंसर दिया आपने, डी ऑप्शन भाई काफी अच्छे क्वेश्चन है, और ये बता देता हूं 10+2 SSC CHSL इनके क्वेश्चन है भैया। जितेंद्र सिंह शेखावत रिपीट, यहां पर देखो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं। देखो परसेंटेज में अगली टाइप, इस बार अपन सिंपल टाइप ले रहे हैं इसकी, आजी हो जाएगा, एक बार आप इसके सॉल्यूशन को देख लेना ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एलिगेशन की टाइप से है, मिशन वाली टाइप से, अमित शेखावत बता रहे हैं इसका 40 किलोग्राम आंसर, अभी देख लेते हैं 40B वाला ऑप्शन, क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को तो आप आंसर बता सकते हो, निशा बता रहे हैं बी वाला ऑप्शन। देखो आज मैंने कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन उठाए थे, अभी भी बाकी है, अपन लास्ट में एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। एक बार मैं आपको मिशन वाले एलिगेशन से थोड़ा बहुत बता देता हूं, सुनना, बिल्कुल आसान टाइप है ये वाले क्वेश्चन, आप उड़ा दोगे। हाँ जी
अशोक कुमार आपका स्वागत है। 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ये लिख दिया 120 कॉपर और क्या है जिंक का मिश्रण है। 120 किलोग्राम अशोक कुमार, अच्छा जी आप सीकर से होंगे है ना, 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर का मिश्रण क्या है 80% है। ठीक है भी, मैं लिख देता हूं आपको हर एक बात समझा देते हैं। कॉपर क्या है 80%, तो मेरे भाई जिंक कितना बचेगा 20%। भाई यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान बात है। विवेक बता रहे हैं 60, हाँ जी अभी देख लेते हैं। कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिला दिया जाता, भाई जिसकी मात्रा कम ज्यादा होती ना उसको टिक कर लिया करो। मिलाया क्या जा रहा है इसमें जिंक, जिसकी मात्रा कम ज्यादा हो रही उसको टिक कर लिया करो। इसमें मिलाया क्या जा रहा है जिंक, तो मात्रा किसकी बढ़ रही है जिंक की। भाई 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक का क्या है मिश्रण है, आप इसमें जिंक मिलाओगे तो मात्रा किसकी बढ़ेगी जिंक की, लेकिन कॉपर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा नियत रहेगा। जो भाग नियत रहता है आपको उस पर कैलकुलेशन करनी है। संदीप जांगिड़ बता रहे हैं बी वाला ऑप्शन, जितेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं डी ऑप्शन, अभी देख लेते हैं अपन। फिर इसके बाद इसमें जिंक मिला दिया तो इससे कॉपर 60% हो जाता है। कॉपर कितना हो जाता है 60%, हर चीज 100% होती है। कॉपर 60% है तो जिंक कितना बचेगा रे 40%। ठीक है जी, अब देखो इसके अंदर जो नियत है वो वाला भाग आपको लेना है। इसमें मिलाई किसकी गई मात्रा जिंक की, जिसकी मात्रा मिलाई जाती है निकाली जाती है उससे अपोजिट क्या होता नियत, तो इसके अंदर नियत क्या होगा कॉपर। जब ये पहले मिश्रण 120 किलोग्राम था तब इसमें कॉपर कितना था रे 80%। अब आप बताओ इसमें जिंक मिलाओगे, जिंक मिलाओगे तो मिश्रण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। भाई जिंक मिलाया तो मिश्रण 120 किलोग्राम से ऊपर जाएगा चाहे कितना भी जाए। नया मिश्रण हो गया हमारे पास 120 प्लस एक्स, ठीक है, और इसके अंदर जिंक कितना है सॉरी कॉपर कितना है 60%, ये रख दिया हमने 60%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 20 से 3 टाइम, यहां पर 4 टाइम, आगे भी कैंसिल हो रहा 3, यहां पर 40 बार 40 गुणा 4 कितना हो गया 160, बराबर हमारे पास आ गया 120 प्लस एक्स। 120 इधर आ लेके आओगे किसका हो जाएगा माइनस का, 40 किलोग्राम एक आंसर आया था वो सभी विद्यार्थियों का क्या है सही है, पी वाला ऑप्शन। हाँ जी योगेश ढाका बता रहे हैं ए, किशन पांडे ए, अच्छा जी अजी रीजनिंग का कोर्स आपका एक बार तो हो लिया, फिर आपकी आगे लगेगी मैथ्स के बाद इसकी क्लास, जीएस की होगी फिर रीजनिंग की हो, रिपीटेशन में चलेगा। हाँ जी इसके सॉल्यूशन में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इसका एक और आपको पैटर्न बता देता हूं, देखो यहां पर आपको इसको 3-4 तरीकों से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। देखो यहां पर अपने को क्वेश्चन क्या दिया है कि 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% हमारे पास क्या है कॉपर है ना, कॉपर वो कितना हमारे पास 80% है। मैं फिर लिख देता हूं एक बार इन बातों को समझने के लिए, फिर आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना, कॉपर और क्या है जिंक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको सीधा करोगे। फिर कॉपर और जिंक है, कॉपर कितना हमारे पास 80%, तो जिंक कितना बचा 20, ठीक है। इसमें मात्रा किसकी मिलाई गई है जिंक की, तो मिश्रण तो बढ़ेगा स्वाभाविक सी बात है और जिंक की मात्रा भी बढ़ेगी। अरे जिंक की मात्रा बढ़ेगी लेकिन कॉपर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यहां पर हमारे पास कॉपर कितना हो जाता है 60%, परसेंटेज 60 हो जाता है, जिंक कितना हो जाएगा 40। आप यहां से एलिगेशन वाला मिश्रण भी लगा सकते हो, मिश्रण वाला तरीका लगा सकते हो। अब देखो यहां पर एलिगेशन वाले पैटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, जिसकी मात्रा कम ज्यादा होती ना वही लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पर जिंक हमारे पास कितना था 20%,
और अंत में कितना हो गया 40%। ठीक है, पहले जिंक कितना था हमारे पास 20%। अब देखो आपने इसमें बाहर से क्या मिलाया है, जिंक मिलाया है, तो जिंक मिश्रण होता ना, उसमें दो या दो से अधिक चीज होती है। आपने बाहर से केवल एक मतलब डब्बा भी जिंक का डाला ये समझ लो, तो वो तो शुद्ध 100% है। उस वाले हिस्से को क्या लोगे आप, 100% लोगे, बाहर से जो हिस्सा मिलाया जा रहा नया हिस्सा। और अंत में इनका मिश्रण कितना हो जाता, 40%। बड़े में से छोटा घटाना है, 100 में से 40 गया 60 आएगा, और इधर कितना आएगा 20 आएगा, ये कट जाएगा यहां से 20 से 3 बार और 20 से 1 बार। यहां पर इनका रेशियो चलता है 3:1। यहां से अपने पास इस मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा दे रखी है, ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा का काम करेगा 120, कितने गुना हो गया 3 से 40 बार, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से। यहां पर ये जो नया मिलाया गया भाग है वही है, हमने जिंक मिलाया था ना भी 100%, ये नया मिलाया गया भाग है, तो नया मिलाया गया भाग हमारे पास कितना आ गया 40 किलोग्राम। और भी यहां पर इसके तरीके होते हैं, लेकिन अपन एक दो पैटर्न ही रखेंगे। फिजिक्स की क्लास 8 बजे होती है जी, सुबह 8 से 9 फिजिक्स की चलती है, 9 से 10 एक्स ग्रुप के मैथ्स की चलती है, 11 से 12 इंग्लिश, 10 से 11 इंग्लिश की होती है, और 11 से 12 जनरल मैथ्स की होती है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। भाई ये वाला आपको आंसर आना चाहिए ना, इस वाले क्वेश्चन को तो आप उड़ा सकते हो आसानी से। देखो दो पैटर्न बता दिए, आप अनुपात से भी कर सकते हो इनको। हाँ जी, ओके ओके। हाँ जी, एक बार इसका सॉल्यूशन बना दे जल्दी से, मैं शुरुआत के 2-3 ही कमेंट्स पढ़ूंगा। सबसे पहले कौन उड़ाएगा, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए आसान है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, आप उड़ा सकते हो इसको, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, आप उड़ा सकते हैं इसको। अमित शेखावत बता रहे हैं 50 किलोग्राम इसका आंसर आएगा, 50 की भाई संभावना है। निशा बता रहे सी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन 50। चलो देख लो इसका सॉल्यूशन। देखो यहां पर हमारे पास 200 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण है, कितना है 200 किलोग्राम किसका है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है 200 किलोग्राम। ठीक है, प्रवीण राव बता रहे हैं सी ऑप्शन, 200 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण में कॉपर कितना है 60%, कॉपर का हिस्सा 60% है, तो जिंक कितना बचेगा रे 40% बचेगा। तो अगर कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है, इस बार इससे जिंक क्या किया जाता है निकाला जाता है, तो मात्रा क्या होगी कम, भाई जिंक निकाला जाता, जिसकी मात्रा कम ज्यादा होती है उसको टिक कर लिया करो, इसका मतलब दूसरा हिस्सा क्या है कॉन्स्टेंट है, नियत है। प्रदीप अग्रवाल बता रहे हैं सी ऑप्शन, जितेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं डी ऑप्शन, सुभाष जाखड़ बता रहे हैं सी ऑप्शन, प्रवीण राव सी, अच्छा हाँ जी, राम राम। प्रदीप अग्रवाल जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां से हमारे को कह रहा कि अंत में कॉपर कितना हो जाता है 80%, तो यहां पर हमारे पास कॉपर 80% है, तो जिंक कितना बचेगा 20%। यहां से भी आप निकाल सकते हो, जो भाग नियत होता ना उस पर क्रिया कर लिया करो, अपने को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, भाई मात्रा तो किसकी कम ज्यादा हो रही जिंक की, तो कॉपर तो नियत रहेगा। आप 200 का 60% निकाल सकते हो, हम 200 का 60% निकालेंगे, इधर कितना आ जाएगा 200 × 60/100 कितना आ गया रे 120। आप कह सकते हो जी 120 किलोग्राम क्या इसके अंदर कॉपर है, 120 कॉपर है, तो जिंक कितना बचा 80, इसमें से जिंक निकालोगे तो जिंक की मात्रा कम ज्यादा होगी। यहां पर ये तो स्थिर रहता है, आप इसको बराबर रख के भी निकाल सकते हो, 80% को किसके बराबर रखो 120 के, काफी पैटर्न बन जाते हैं रेशियो से कर लो चाहे, लेकिन अपन एक ही पैटर्न करेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पर अपने, है ना, चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने को। अब देखो इसके अंदर मात्रा किसकी कम ज्यादा हो रही है को जिंक की, तो कॉन्स्टेंट क्या है कोपर, जब ये मिश्रण 200 किलोग्राम था तब हमारे पास जिंक कितना था 60%। भाई अपने को क्या हुआ, यहां से जिंक की मात्रा कम हुई है, इस बार इसका एलिगेशन क्या हुआ है कम हुआ है, कम हुआ है तो अपन क्या कर देते हैं मात्रा को माइनस कर देते हैं, और अंत में हमारे पास इसका मिश्रण कितना बचा है 80%। हर बार 100 से 100 कैंसिल होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 20 से 4 बार और 20 से 3 बार, 4 से काटोगे कितनी बार 50 बार, 50 × 3 कितना हो गया 150, 200 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ,
150 इधर रहेगा तो माइनस का, यहां से हमारे पास मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, 50 किलोग्राम, बिल्कुल सही था, सभी का आंसर लॉक कर दिया था। सावर सिंह बता रहे हैं 50 किलोग्राम। अच्छा जी, आज काफी दिनों से आप जुड़े हैं, योगेश ढाका, डी वाले ऑप्शन का तो चांस ही नहीं बनता ना, आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी कैलकुलेशन में। जितेंद्र सिंह शेखावत, आपका कोई क्वेश्चन आंसर सही नहीं आया, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, रॉयल जाट बता रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। एक और उठा लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन अपन। अरे उड़ा दो इसका आंसर, देखते ही उड़ा देना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी, देखते हैं कौन उड़ाता है इसके आंसर को, मैं वेट कर रहा हूं, इसका आंसर उड़ा देना चाहिए था बिताओ आपको। वरना फिर मेरे को सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, और काफी अच्छे क्वेश्चन चले हुए हैं, एलिवेशन वाली टाइप इसके अंदर मैं आपको करवा रहा हूं। एक तरबूज का वजन कितना है 20 किलोग्राम है, एक तरबूज है इसका वजन हमारे पास क्या है 20 किलोग्राम, जिसमें 90% क्या है पानी है, ठीक है 90% पानी है, 4 दिनों के बाद इसमें से कुछ पानी क्या हो जाता है वाष्पीकृत, मात्रा किसकी कम ज्यादा हो रही है पानी की, तो इसका फल वाला हिस्सा तो क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा। हाँ जी, परवीन सुभाष जाखड़ बता रहे हैं ए ऑप्शन। हाँ जी, बस दो मिनट आपको बिल्कुल मिलेंगे। ज्योति यादव 8 बता रहे हैं, सावर आंसर बताओ भाई। मनोज बिजाणिया 15 किलोग्राम, मनोज बिजाणिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और सीआईएफ सब में कार्यरत हैं फिलहाल। प्रिया शेखावत क्या बता रहे हो 10 किलोग्राम, तुक्के थोड़ी लगाने हैं। अमित शेखावत बता रहे हैं 15। हरपाल मुंड काफी लेट जुड़े हमसे, हमारे सीकर के स्टूडेंट हैं, सी वाला ऑप्शन। देखो यहां पर एक तरबूज है उसका वजन कितना है 20 किलोग्राम, इसमें क्या है पानी, और यहां पर अपन फल वाला हिस्सा ले लेते हैं ना, फल वाला हिस्सा और यहां पर वाटर, फ्रूट और वाटर, इसके दो हिस्से हैं भाई, उसमें गिरी का हिस्सा होता है पानी का हिस्सा होता है जो भी तरबूज है, उसका 20 किलोग्राम टोटल वेट है, जिसमें 90% क्या है जी पानी। अरे पानी 90% है तो फल का हिस्सा कितना होगा 10% होगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसने कहा कि 4 दिन के बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, पानी वाष्पीकृत हुआ तो मात्रा किसकी कम ज्यादा हो रही है पानी की, मात्रा क्या हो रही है कम हो रही है, तो घटेगा वजन भी घटेगा टोटल, जिससे पानी कितना हो जाता है 60%, पानी कितना हो गया 60%, तो फल वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 40%। इसमें मात्रा कम ज्यादा किसकी हो रही है पानी की, तो नियत क्या है फल का हिस्सा 10%, जब ये 20 किलोग्राम था तब फल कितना था 10%, अब इसमें क्या हुआ मात्रा कम होगी 20 माइनस एक्स, इसमें कितना है 40%, 40/100 ये कैंसिल हो गया, 10 से 10, 2 से काट दिया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया यहां पर 2 बार, यहां पर 5 बराबर कितना आ गया 20 माइनस एक्स, और ये x इधर आएगा प्लस का 20 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 15 वाला बिल्कुल सही है भाई। अब तो ना सही आने चाहिए, अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, 15 आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। जितेंद्र शेखावत आप बता रहे हो सी ऑप्शन। मुकेश गोदारा आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखावाटी डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। आप क्लास ले लगातार है ना, हर एक चीज समझ में आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि हम सिलेक्शन देके ही विद्यार्थियों को यहां से विदा करते हैं। संजय जांगीड जय महाकाल, जय महाकाल, महाकाल सर का आशीर्वाद यहां पर बना रहता भी लगातार, ये क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग यहां से, कोई बाहर नहीं जा जाता, सब फैकल्टी बहुत अच्छी फैकल्टी है, अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, लगातार वर्क करते हैं, 4-5 घंटे रेगुलर वर्क करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं कि कहां से किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीरो से भी मिलेगा तो आपको हाई लेवल की चीजें भी मिलेंगी, सारी चीज मिलेंगी, एक बार शेयर कर दें। और आपने देखा होगा अपन नए नए क्वेश्चन भी उठाते हैं, पुराने भी करवाने जरूरी होते हैं, क्योंकि मार्केट का भी देखना पड़ता है, मार्केट वाले क्या करवा रहे हैं, सारे नए क्वेश्चन चलते नहीं है, और आप देखते हो कि हम जो कंटेंट करवाते हैं आपको सपने में भी नहीं देखा होगा कहीं कहीं ये चीजें। देखो आप इनको
दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एलिगेशन वाला पैटर्न लगाना चाहो तो आप यहां से लगा सकते हो। देखो यहां पर अपने को पता है एलिगेशन वाला पैटर्न लगा रहे हो, इसमें जो चीज है ना चेंज हो रही है ना वो लेनी पड़ती है। इसमें पहले क्या था, 90% पानी था, चार दिन बाद पानी क्या हो जाता, वाष्पीकृत। पहले 90% था, जो बाप से पानी वाष्पीकृत होगा तो वो पानी अकेला ही होगा, फल वाला हिस्सा थोड़ी होगा, वो जी शुद्ध 100% है ना। और ऐसा करते हो ना तो अंत में कितना हो जाता है, 60%। कभी भी दो अलग अलग प्रकार की चीज मिलती है, एलिगेशन इनके बीच का हिस्सा होता है। 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 40, और इधर कितना आएगा, 30। हमारे पास इसका रेशियो आ गया 4:3, वैसे हमारे पास कितना दे रखा, 20 प्रारंभिक मिश्रण, कितने गुणा बन गया, 5, तो हर चीज कितने गुणा होगी, 5, तो ये कितना जाएगा, 15 किलोग्राम। ये क्वेश्चन तो मैंने एक क्वेश्चन पे बता दिया पैटर्न, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी मनोज तवर अमित तो ठीक है, आप आंसर दो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्या बात है स्पीड बढ़ा दी आपने, है ना, बीच में मैंने थोड़े से हल्के क्वेश्चन डाले तो आपने स्पीड बढ़ा दी अपनी सॉल्यूशन की। उड़ा दो इसको, अभी तक उड़ा देना चाहिए था भाई। प्रीति शर्मा पिछले वाले का 8 बता रहे हो, पिछले वाले पे नहीं, अपन अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी आपको तो बताना ही पड़ेगा भाई। देखो हमने अनुपात में निकाला है 4, ये प्रारंभिक मिश्रण लेके चलते हैं, प्रारंभिक मिश्रण हमारे पास है 20 किलोग्राम। आप कह रहे हो जी यहां से हमारे पास 4:3 आया, अनुपात को हटाते हो किसी न किसी से मल्टीप्लाई करते हो, हमारे पास प्रारंभिक मिश्रण आ गया 4x, और वैसे कितना हमारे पास, 20 किलोग्राम। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, 20/4 कितना आ गया, 5, तो आप x की वैल्यू 5 रख सकते हो, 3 × 5 = 15। तो मैं x को यहां से समझ लो खा गया, मैंने सीधा ही रेशियो उठा लिया, अनुपात में 4 यूनिट है, वैसे कितना है 20, 4 यूनिट बराबर है 20 के, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 20/4 कितना आ गया, 5। तो यहां पर ये नया मिशन है ना, ये कितना है, 3 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 के। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा ही है, आंसर भी आ गया होगा अभी तक। यहां पर अमित शेखावत बता रहे हैं 20, बबलू यादव बी वाला ऑप्शन, सुभाष जाखड़ सी, निशा सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। आपके कमेंट्स पढ़कर काफी अच्छा लगता है, आप स्पीड से आंसर दे रहे हैं भैया ना, और क्वेश्चन अपने पास काफी अच्छे अच्छे हैं। एक तरबूज का वजन कितना है, 30 किलोग्राम, तरबूज का वजन कितना है, 30 किलोग्राम। मिशन वाला तरीका लगा सकते हो आप इसमें, इसमें 90% क्या है, पानी है, चार दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, 70% बच जाता है। भाई ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैं अगले की तरफ बढ़ जाता हूं। मनोज बिजानिया 20, हाँ जी 20 बता रहे हैं सभी, है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर किसी को फिर भी समझना तो बता दो, मैं अगला क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। मनीष सिंह, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो 20 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% 20 लीटर नमक और पानी के घोल में नमक क्या है, 40% नमक है, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नमक का प्रतिशत बताना है नए घोल में, नमक का परसेंटेज क्या है। सूरज कुमार हाउ आर यू, फाइन फाइन। हाजी पुष्पेंद्र सिंह शेखावत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अमित शेखावत 32 आंसर बता रहे हैं, क्या बात है, आंसर भी आ गया हमारे पास। 20 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% हमारे पास क्या है, नमक। हमारे पास जो टोटल मिश्रण है ना भाई, वो मेरे भाई कितना है, 20 लीटर है, ठीक है। इसमें से इसका हमको डिवाइडेशन दे रखा है कि जो नमक का वाला हिस्सा है ना, नमक वाला हिस्सा वो क्या है, 40%। नमक 40% है, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, पानी बच गया, कितना बचेगा रे, 60%। टोटल तो 100 ही होगा। हाँ जी क्या बात है, बहुत स्पीड से आंसर। विजय सिंह, मनीष यादव, ज्योति यादव, मोहित शेखावत, सुभाष जाखड़, प्रिया शेखावत, संदीप जांगिड़, क्या बात है, मजा आ जाता भाई आपके क्वेश्चन इस तरह देखकर।
आप इस तरह इनके सॉल्यूशन बनाते हो तो इसमें से इस बार देखो थोड़ा सा चेंज है ना, कुछ तो ऐसे ही देख के पिछले वाले का भी देख के कमेंट कर सकते हैं, मेरे को विश्वास है एक दो पर। रवि नांगेड़ बता रहे हैं 32, यहां पर 5 लीटर और पानी क्या कर रहा, बढ़ा रहा है। अभी तक आपको दोनों परसेंटेज दे रहे थे हम, इस बार इसकी मात्रा अपने को अंकों में दे दी, फिगर में दे रखी है 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी और मिला देता है। भाई पहले हमारे पास मिश्रण कितना था, 20 लीटर, अब आपने 5 लीटर पानी और मिलाया है तो यहां से मेरे भाई नया मिश्रण कितना होगा, 25 लीटर हो जाएगा, नया मिश्रण हो जाएगा, न्यू एलिगेशन, ठीक है, ये हो गया 25। पहले ये मिश्रण कितना था, 20 लीटर, जब इसमें नमक तो था 40% और पानी था 60%, इसमें आपने मिलाया क्या है, 5 लीटर पानी। मात्रा किसकी कम ज्यादा हुई है, पानी की। भाई जिसकी मात्रा कम ज्यादा होती है ना उसको नहीं लेना, आपको दूसरे वाले हिस्से को लेना है। इसकी मात्रा कम ज्यादा हो रही तो नियत क्या हमारे पास, नमक वाला हिस्सा है। हाँ जी पंकज कुमार बता रहे हैं ए, सौरभ जायसवाल बता रहे हैं ए, हाँ जी मैंने देख लिया। अब देखो अपने को तुलना किस पे, मतलब अपने को क्रिया किस पर करनी है, नमक पर करनी है जो कांस्टेंट भाग होता है। ये मिश्रण पहले 20 लीटर था, इसके अंदर नमक कितना था, 40%, परसेंटेज को क्या लिखोगे, बटे 100। अब हमारे पास नया मिश्रण कितना है, 25 लीटर, इसमें नमक का हिस्सा बताना है शायद कितना है ना, परसेंटेज, नमक 25 में कितना है, एक्स परसेंटेज, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार, 5 से काटा 8 बार, 8 × 4 कितना हो गया, 32%, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 32। तो ये वाला क्वेश्चन भी भाई सभी का सही था ना, सभी का सही था। अच्छा जी, अच्छा सौरभ राजपूती, क्या बात है सौरभ, काफी दिनों बाद आप हमसे जुड़े हैं। अजी आपको आंसर बताने के लिए आपका धन्यवाद, आपको लख लख बधाई हो, आपने आंसर दिया काफी सालों बाद, मुंह तो खोला। एक मैं बेहतरीन क्वेश्चन उठा लेता हूं आपके लिए, भाई क्वेश्चन को पढ़ो शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ो क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है, जो इसका सॉल्यूशन उड़ा देगा उसको मान जाएंगे कि वास्तव में उसकी तैयारी अच्छी है। जो इसका, इस बार मैंने आपको एक ही ट्रेलर के लिए दिया है, पॉइंट की वैल्यू के भी एसएससी में क्वेश्चन आते हैं भैया ना, अभी तक आपने फ्रैक्शन वेस ही पढ़ा होगा, फ्रैक्शन से भी आगे लेवल बढ़ गया कि पॉइंट में वैल्यू दे देते हैं, उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे आप। हाँ जी मनीष सिंह, देखो आप मेरे हिसाब से इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो, मैं भी इसको आपका सॉल्यूशन, आपको इसका सॉल्यूशन साथ के साथ बता देता हूं, जो बनाएगा 100% उसके सॉल्यूशन सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई, चलो देख लो मेरे साथ जुड़ जाएं और सॉल्यूशन पे ध्यान दें इसके पे, आपको हर एक चीज जीरो से बताऊंगा इसकी, कि एक छात्र को एक संख्या, संख्या क्या है पी, हमें पता नहीं क्या है पर निकालेंगे एक संख्या पी का 239.28% निकालने को कहा गया और उसमें 6450 जोड़ने पर परिणाम कितना आता है, 50,000 आता है, लेकिन गलती से उसने मापन की गणना क्या कर दी, उसने गलती से उसमें गणना में क्या कर दिया, वास्तविक संख्या पी को, जो उसको रिजल्ट था ना वास्तविक संख्या पी को, इसके वास्तविक मान से क्या ले लिया, 13 से 1/3% ले लिया। भाई उसको जो संख्या लेनी चाहिए थी ना उसके वास्तविक मान से इसने 13 से 1/3% कम ले लिया। भाई जाट राज बता रहे हैं सी वाला ऑप्शन, एक बार मैं इस ऑप्शन को लॉक कर देता हूं, लिख लेता हूं सी वाला ऑप्शन, भाई संभावना हो सकती है 4 में से अपने पास सी ऑप्शन बता रहे हैं। मोहित शेखावत बता रहे हैं सी ऑप्शन, क्या बात है कि 50,000 आया लेकिन उसने उसकी गणना में क्या करती, गलती कर दी, जो वास्तविक संख्या पी थी ना उसके वास्तविक मान से 13 से ही 1/3% क्या ले लिया, कम ले लिया।
तो कह रहा कि संख्या पी का आपको बताना है 42 सही 6/7% क्या होगा। इसकी जो सारी की सारी वैल्यू फ्रैक्शन और पॉइंट इनमें चल रही है ना, तो अपने को दिक्कत आ रही। मनीष सिंह बता रहे हैं 9000.215। मनीष सिंह कह रहे कि मेरा 100% करेक्ट है सी वाला ऑप्शन। भाई सी वाला ऑप्शन हम लॉक कर चुके हैं पहले से ही, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं। हाँ जी प्रशांत जांगीड़ फाइन है हम, आप बताओ आप कैसे हो। देखो क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएं, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ अपन इसके अंदर छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, हमारे पास 239.28% है। इसको सोल्व करके लेते आते हो, अगर सोल्व करके लेके आओगे तो आपके पास आएगा 67/28। बता देता हूं इसको सोल्व करने का तरीका भी आपको, आप इसके टुकड़े कर दो, वैसे तो आपको दिक्कत आएगी। टुकड़े करोगे 200, भाई 100% एक होता है तो 200% क्या हो जाएगा, दो पूरा मान फ्रैक्शन में देखोगे। अब आपके पास बच गया 39.28, 39.28 की वैल्यू नहीं आपके पास यदि, 25% तो है ही, 25% को क्या लिख सकते हो 1/4। हाँ जी क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब देखो 25% इसके बाद बच गया हमारे पास 14.28% है ना, 25% प्लस 14.28 जोड़ोगे तो 39.28% बन जाता है ना। ये हमारे पास 14.28% बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/7। हम फ्रैक्शन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था 1/7 को आप परसेंटेज में बदलते हो, 100/14 क्या लिखोगे, 14×7 = 98, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हो 14.28 लिख सकते हो। ये बात आप ध्यान रख लेना, बार बार ये बातें बताने की नहीं होती हैं। यहां पर आप इसको लिखोगे 1/14.28, चलो अलग लिख देता हूं, 200% हो गया 2, 25% 1/4, यहां पर आ गया 1/7 था ना इसका 1/7 हिस्सा। यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 68, एक का भाग कितनी बार गया 78 आएगा एलसीएम है ना। हमारे पास एलसीएम कितना जाएगा 28, 1 से कितनी बार 28 बार, ऊपर 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे जी 56 आएगा। 4 का भाग कितनी बार 7 बार, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई 1 को और 7 से 4 बार, 56 और 4 = 60 और 67/ अपने पास कितना गया 28। ठीक है यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्योति राठौर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपका स्वागत है। यहां पर देखो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं इस वाली कैलकुलेशन को हटा देता हूं ना, अपने पास स्पेस कम है तो मैं सीधी इसकी वैल्यू को लिखता हूं, 239.28%। इसको आप लिख सकते हो 67/28 कि उसके अनुसार है ना, वो नंबर कितना था 28 था। ठीक है उसको हिसाब से 28 यूनिट पे क्रिया करनी थी और उसने क्या कर दिया, निकाल कितना दिया 67 यूनिट। भाई 239.28% निकाला तो 67 यूनिट उसने निकाला मेरे भाई, 67 यूनिट निकाल दिया और उसमें कितना ऐड किया 6450। अरे आप इसमें 6450 ऐड करोगे ना तो कह रहा जी उसको रिजल्ट मिला 50,000। यहां से अपने पास 67 यूनिट बराबर हो गया, 6450 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ जी गुड आफ्टरनून, 6450 इसमें से लेस कर दो, 50,000 में से 6000 घटाओगे कितना बच जाएगा हमारे पास 44,000, 44,000 में से 450 घटा दो 43,550। ये हमारे पास कितने यूनिट की वैल्यू हो गई, 67 यूनिट की वैल्यू हो गई, 67 यूनिट की वैल्यू होगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 67 का भाग दे दो 650, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 650। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है। जिसको समझ में ना आए ना बोल देना वहां से, हाँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650, उसके अनुसार वो नंबर क्या होना चाहिए था। देखो उसने सही नहीं निकाला, उसके अनुसार नंबर होना था जिसे, इसने 28 यूनिट और गुणा किससे करते हैं मल्टीप्लाई 650 से,
उसके अनुसार नंबर ये होना चाहिए था 28×650, लेकिन उसने तो कर दिया इस कैलकुलेशन को, उसे बाद में पता चला जी कैलकुलेशन क्या हो गई, गलत हो गई। गलत हो गई मतलब इसने वास्तविक संख्या पी को, इसकी वास्तविक संख्या ये है ना, इसको कम ले लिया। कितना कम ले लिया? 13 से ही 1/3%। इसने 13 से ही 1/3% कम लिया, 2/15 आएगा। इस कैलकुलेशन को हल करते हो तो फिर करके बताता हूं। 13×3 = 39 और 1 = 40। 40/3/100 कितना आ गया? 100। 20 से 2 बार और 20 से 5 बार हमारे पास 2/15 कम ले लिया। हर होता वास्तविक मान, इसको निकालना कितना यूनिट चाहिए था? 15। कम है तो इसने कम कर दो, निकाला कितना इसने? 13 यूनिट। भाई कम ले लिया तो अंश होता वो कम लिया या ज्यादा लिया गया या वास्तविक मान यही होता है। कम कहता तो हमने कम कर दिया, 2 यूनिट कम लिया तो इसने कितना निकाला? 13 यूनिट। इसने 13 से 1/3% कम लिया। आप कहोगे जी इसको आप लिख सकते हो 2/15, तो इसको निकालना चाहिए था 15, इसने निकाला 2 कम तो 13। इसने निकाल दिया 13 और निकालना कितना चाहिए था? 15। आपके पास जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 13 यूनिट के। 13 यूनिट इसके बराबर होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा? बटे में कितना जाएगा? 13। आपको निकालना कितना है? 15 यूनिट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 15 से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 28×650। ये किसके बराबर है? बराबर रखोगे 13 यूनिट के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे में कितना आएगा? 13। जितना यूनिट निकालना उतने से गुणा कर दो। ये अभी तक है ना, यहां से ये नंबर क्या हो गया? सही हो गया। यहां तक ये नंबर क्या है? सही है। अब इसने आगे कहा है कि उस संख्या का 42 से ही 6/7% आपको निकालना है। देखो ये वाला हिस्सा भी आपको समझा देता हूं। 42 से ही 6/7 है, हम 1/7 लिखते हैं। 1/7 को आप परसेंटेज में बदलते हो तो आप क्या लिखते हो इसको जी? आप कहोगे जी 14 से ही 2/7%। मैं सीधा आपको समझा देता हूं। हम दो इसको यहां पर क्या बनाना है? 42 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 3 से। तो आप इसको भी किससे गुणा करोगे? 3 से। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/7। 3 से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आ गया? 14×3 = 42। इसको 3 से गुणा करोगे 6/7, तो हमारे पास 42 से ही 6/7% की वैल्यू आ गई 3/7। अगर आपको ये 2/7 होता तो इसको करते 14×28 और 4/7। अगर आपके पास 4/7 होता तो इसको 4 से गुणा करते 56, 8/7, 1 इधर बढ़ता 57 से ही 1/7। आप इस तरह करते तो आप ये हो गया आपके पास 3/7। नई वैल्यू कितनी आ गई? 3/7। इसका 3/7वां हिस्सा निकालना है। इस कैलकुलेशन को अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कितना आता है? 9000। 9000 सबसे अच्छी बात है कि सभी विद्यार्थियों ने इसका 9000 आंसर निकाल दिया। हाँ जी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अप्रोक्स वैल्यू चली हुई है, अपन फ्रैक्शन में ले रहे हैं ना। अप्रोक्स वैल्यू वाली आपको फ्रैक्शन में लेके करना पड़ेगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन, ये एसएससी का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के उठाया था। मैं देख रहा था किस किस को आ रहे हैं, पर बहुत बढ़िया, सभी ने इसको उड़ा दिया। ऐसे स्टूडेंट मेरे को विश्वास है शेखावाटी के चैनल पर ही मिल सकते, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट और कहीं हो ही नहीं सकते। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कल हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे इसी पैटर्न के। ये बिल्कुल शॉर्ट में था, इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी है, मेंस का क्वेश्चन था, इससे शॉर्ट नहीं बन सकता मेरे भाई, इससे शॉर्ट बन ही नहीं सकता। कैलकुलेशन पूरी करोगे तो काफी टफ हो जाएगा। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, है ना। सीधी की सीधी वैल्यू ही उठाई है अपन ने, इससे शॉर्ट बन ही नहीं सकता। हाँ जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।